एसएससी पढ़ाते हुए हो गए, सरकारी एग्जाम की तैयारी करवाते हुए हो गए, पिछले कुछ 4-5 सालों में एसएससी ने नए नए तरीके ढूंढे, नए नए बहाने ढूंढे बच्चों को बाहर करने के। अब जो बच्चे अंदर होते हैं या कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, जैसे इस बार एसएससी ने क्या किया है कि बहुत कम बच्चों को क्वालिफाई किया है और 200 में 150 नंबर कट ऑफ गई है। आप समझ सकते हैं 75% कट ऑफ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना कितनी बड़ी बात है। एसएससी ने 2017 में इतनी वैकेंसी निकाली, इतने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया, यानी 20 गुने लोगों को क्वालिफाई किया। एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि हम कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। अरे तुम नोटिफिकेशन आंख बंद करके निकालते हो क्या? तुमको इतनी अकल नहीं है? तुम सीएचएसएल का सेम नोटिफिकेशन निकाल देते हो, सेम सिलेबस तुमने एसएससी सीजीएल में दे रखा है। इतना दिमाग नहीं है कि सीएचएसएल 12th के बाद होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है? तुम अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते? तुमसे मेरा मतलब एसएससी से, जो कि बहुत बड़ी कामचोर है। 2,500 लोगों को मेंस में पास करेंगे, 2,500 का 10 गुना, वो 25,000 लोगों को क्लियर, सबका क्लियर होता है। वो पहले ही बता देंगे हमारा मेंस इस डेट में होगा। एसएससी कुछ बताना जरूरी नहीं समझते, उसको तो नोटिफिकेशन बनाने में टेंशन होती है। इतना लंबा नोटिफिकेशन बना क्यों रहे हो? 4 पन्नों में बता दो ये है, ये डेट है, ये है, ये सिलेबस है, और देख भी लो खुद से। आज एमटीएस का पेपर सीजीएल से मुश्किल आ जाता है, 150 कट ऑफ जाना वाकई निराशाजनक है। ये पेपर का लेवल ठीक नहीं सेट कर पा रहे। ये कहते हैं कि एक शिफ्ट में जो सवाल आया दूसरे में वैल्यू बदल के वही दे देते हैं, ये 100 नए सवाल क्रिएट नहीं कर सकते। उससे हो क्या रहा है? उसमें यह मुसीबत है कि गणित का पेपर आसान आ गया तो जीएस मुश्किल आ जाती है बच्चे के पेपर में, और गणित अगर मुश्किल आ गई तो जीएस आसान आ जाती है। वहां बच्चा फंस जाता है क्योंकि जीएस का मुश्किल और आसान आना नॉर्मलाइजेशन अच्छा बना ही नहीं सकता। अब मैं आज क्लास लेने वाला था, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस, इतने सारे बच्चों से मैंने बात की है कि सर मेरे 149.5 नंबर बन रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मेरे 149 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अब अगले साल मैं अटेम्प्ट दे भी नहीं जाऊंगा। उसकी जिंदगी का सवाल है, तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। जिस आदमी के 30 साल बीत गए, उससे पहले वो प्राइवेट नौकरी में था, उसको पता ही नहीं था सीजीएल जैसा कुछ होता है। अभी अभी वो तैयारी में आया था पिछले साल वैकेंसी 36,000 थी, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपटीशन बढ़ा ही इसलिए, इस बार लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि पिछली बार जो 36-37 हज़ार लोग सेलेक्ट हुए उनकी मैक्सिमम की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई, इनफैक्ट किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो लोग फिर आके पेपर दे रहे, जिसकी 35,000 रैंक थी उसको फिर से नौकरी चाहिए। बढ़िया कंपटीशन, बड़ी हो गई कटो वेटिंग लिस्ट, तुम अब तक लेके नहीं आ पाए क्योंकि तुम सिस्टम में कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते। और अगर कुछ गलती हो गई, तुमने यूएफएम में घपला करके बच्चों को बाहर किया था, तुमने सुधारी उसके बाद गलती, नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे रोए, फिर एज के लिए बच्चे रोए, अगर किसी चुनाव में कोई गड़बड़ हो जाती है ना और अपोजिशन वाला कहता है या तो दोबारा चुनाव हो या काउंटिंग दोबारा हो, तो होती है दोबारा, मानना पड़ता है। आज अगर एक मर्सिडीज की टक्कर साइकिल से हो जाएगी और साइकिल वाले की लाख गलती है, फिर भी मर्सिडीज वाले को हर्जाना पूरा भरना पड़ेगा। आज अगर बच्चे परेशान है तुम्हारे फैसले से खुश नहीं है, तो तुम्हें अपनी रिजिडिटी छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, तुम्हें रिजल्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। और ये जितने रूल तुम बना रहे हो एक बारी में क्यों नहीं सोच लेते भाई, नोटिफिकेशन में डाल दो, क्लियर रख दो ना बच्चों को। अगर यही कट ऑफ 135-30 होती तो शायद ये हालात नहीं होते, या तुमने और 12-13-15 गुना, जब तुम्हें पता था कि इस बार कम वैकेंसी है तो तुम 20 गुने बच्चों को भी ले सकते थे, और जब तुम 20 गुने बच्चों को लेते तो और 12 नंबर कट ऑफ कम हो जाती। ये तुम्हारे मूड से नहीं चलेगा कि तुम्हारा मूड हुआ तो तुमने 20 गुना लोगों को ले लिया, तुम्हारा मूड है 13 गुना लोगों को, कल तो तुम्हारा मूड होगा अच्छा 7,000 वैकेंसी है